Hello guys, welcome back to my channel Monster Zombie Vlogs. मेरा नाम है सैकत और आज बहुत ही स्पेशल डे है. आज है 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे. हमारे लिए है 74th इंडिपेंडेंस डे. तो आज मैं निकला हूँ, जैसे कि आप टाइटल पर के बता ही सकते हो, आज मैं निकला हूँ फ्रीडम राइड पे. तो मैं एक ग्रुप के साथ जा रहा हूँ, उस ग्रुप का नाम है RPM राइडर्स. तो अभी फ़िलहाल 5:44 बज रहे हैं, तो आप बाहर का मौसम देख ही सकते हैं, बहुत ही अच्छा है और अंधेरा है पूरा अभी. तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने भैया के घर, उनके साथ फिर मैं जाऊँगा KTM मराथली. तो KTM मराथली में है हमारा मीटअप, हम पूरे ग्रुप के साथ मिलेंगे KTM मराथली में. तो वैसे ये मेरा फर्स्ट राइड होगा उनके साथ. तो वहाँ पे भैया वेट कर रहे हैं, तो मैं ऑलरेडी लेट हूँ यार. आज जो हम लोकेशन पे जा रहे हैं, उस लोकेशन का नाम है डंडीगनाहली डैम. इस लोकेशन के बारे में हमने बहुत सुना है, हमने सुना है कि ये एक बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट है और ये राइडर्स के लिए भी एक बहुत मस्त जगह है, क्योंकि वहाँ पे आपको हर तरह के टेरेंस मिलेंगे. आपको माउंटेन टेरेंस मिलेंगे, आपको ऑफ रोड्स मिलेंगे, अच्छे रोड्स भी हैं. तो क्या ये वाकई में एक अच्छा लोकेशन है, ये तो हमें वहाँ पे जाके ही पता चलेगा. तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और हम चल के देखते हैं कि क्या ये वाकई में एक अच्छा स्पॉट है या नहीं. तो इस वक्त मैं राइड कर रहा हूँ अपने होंडा CBR 150R में और मेरे भैया है आगे, जैसे आप देख सकते हो, बेनेली TNT 300. भाई मेरे से ना, लास्ट ऑफिस यहीं पे था इको स्पेस में. तो जब भी मैं ऑफिस आया करता था यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता था यहाँ पे. बाप रे, मतलब 1 किलोमीटर के लिए ऑलमोस्ट 1-2 घंटे लग जाते थे यहाँ पे, इतनी ट्रैफिक लग जाती थी. तो अभी ऐसा खुला रास्ता यहाँ पे मैं पहली बार देख रहा हूँ. वैसे मैं बहुत सालों बाद इस तरफ आ रहा हूँ इस रोड पर. KTM मराथली अच्छा लग रहा है, पूरा मिला के लगा है इसको. इतना खुला रास्ता कभी नहीं देखा. ऐसी प्रोजेक्ट है यार, दिस फुल सिस्टम ओवर. नो, जस्ट स्लिप ऑन राइट. हां पे ब्रिज पे राइट लेके रुकना है, ठीक है ना, लेफ्ट साइड में. सो आई विल बी लीडिंग एंड ही विल बी. ओ
ओके, तो हमारा अभी थ्रॉटल वार्म अप हुआ, सबने मिलकर थ्रॉटल वार्म अप किया। तो वहाँ पे अपने भाई सबसे आगे हमें लीड कर रहे हैं। तो हमारे और भी दोस्त हैं, आगे मिलेंगे। हम अभी जा रहे हैं केम्पागोटो एयरपोर्ट जाएंगे। एयरपोर्ट में अपना सेकेंड मीटअप होगा। सामने है दुकाटी पानी गले, जबरदस्त। एग्जॉस्ट देखिए भाई, एग्जॉस्ट, ओह माय गॉड। अभी एक फ्लाई बाई मिल सकता है, पता नहीं ये फ्लाई बाई होगा कि नहीं, पर वो बंदा बहुत ही अच्छा राइडर है, रैश राइड नहीं कर रहा है डुकाटे वाला बंदा। ओह माय गॉड, 959 पानी गला है। देखिए कॉर्नरिंग, वाह। जैसा कि आप देख सकते हैं व्यू बहुत ही सही है, यहाँ पे एकदम पूरा माउंटेन्स दिखाई दे रहा है, वहाँ पे बादल से ढके हुए माउंटेन्स, एकदम घर की याद दिला दी यार ये। पूरा एकदम अरुणाचल वाला फील आ रहा है वहाँ से देख के। तो वहाँ पे जो आप देख रहे हो वो है नंदी हिल्स, तो वहाँ से पूरा व्यू दिखाई देता है। अगर आप नंदी हिल्स गए हो और आपको पूरा व्यू दिख रहा है तो वो ये है, तो वो एकदम टॉप से ये पूरा व्यू दिखाई देता है। और यहाँ का रोड देखिए आप, एक नंबर। ये रास्ता में बाइक चला के तो भाई मुझे पूरा गुवाहाटी वाले रोड के याद आ गए। तो हम जब गुवाहाटी पहुंचने वाले होते हैं तेजपुर से, तो हमें इसी तरह के रोड्स मिलते हैं, कंप्लीट माउंटेन रोड्स, उसके बाद हम प्लेन में जाते हैं। तो उसी तरह का कुछ रोड देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो भैया का ये बेनेली एक साल भी नहीं हुआ, तो बहुत दूर दूर जर्नी करते हैं इसमें। तो उनका भी एक चैनल है, उनका भी यूट्यूब चैनल है, मैं आपको लिंक ऊपर भी मिल जाएगा। यहाँ से शुरू होता है अपना ऑफ रोड्स, तो हम ऑलमोस्ट हर तरीके के रोड्स में ऑलरेडी चला चुके हैं। हम अच्छे रोड पे भी चला चुके हैं,
और इसके बाद हमने माउंटेन टेरेंस पे भी चलाया, अब हम फाइनली ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। तो अभी तक तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है राइड करने पे, क्योंकि एक राइडर को जो चाहिए कि आप हर तरीके के रोड्स एक्सपीरियंस कर सको, तो मैं ऑलमोस्ट हर तरीके का रोड्स एक्सपीरियंस कर चुका हूँ अब तक, तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। देखते हैं कि लोकेशन कैसा है। तो हम लोकेशन पहुँचने ही वाले हैं, बस 2 किलोमीटर बता रहा है यहाँ से, तो लोकेशन पहुँच के बताता हूँ आपको कि कैसा लगा मुझे लोकेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोकेशन पहुँच चुके हैं और यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा भीड़ है, पर ये भीड़ इसीलिए है क्योंकि आज 15 अगस्त है और आज सैटरडे भी है, तो इसीलिए बहुत लोग आए हुए हैं। पर आप घबराइए नहीं, ऐसा हर वक्त नहीं होने वाला है, यहाँ पे इतना भीड़ हर वक्त नहीं होता है जितना मैंने सुना है। तो चल के देखते हैं कि इस लोकेशन पे और क्या क्या हम देख सकते हैं। तो ये है डंडी गनाली डैम, यहाँ पे एक छोटा सा रैंप बना हुआ है जहाँ पे आप अपने बाइक्स पार्क कर सकते हो, और ये है पूरा लेक व्यू। तो ये डैम एक लेक पे बना हुआ है, ना कि किसी नदी पे। तो ये व्यू आज बहुत ही मस्त लग रहा है, स्पेशली क्योंकि हर तरफ झंडे लहरा रहे हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और आगे जो आप देखने वाले हो वो है एक्चुअल डैम, और यहाँ पे इस लेक में जो भी एक्सेस पानी होता है वो इस डैम के द्वारा किसी रिजर्वर में जमा होता है। तो रही बात इस लोकेशन की, ये लोकेशन मुझे बहुत ही पसंद आया, स्पेशली अगर आप फैमिली के साथ कहीं आउटिंग के लिए सोच रहे हो तो ये बहुत ही सही जगह है आपके लिए, क्योंकि ये प्लेस एकदम सेफ़ है, आप एकदम बिना सोचे यहाँ पे आ सकते हो। और राइडर्स के लिए भी ये बहुत ही मस्त जगह है, आप यहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हो। मेरे कुछ फ्रेंड्स मुझे फ़ोटो भेजे थे कुछ दिन पहले, कैंपिंग भी किया था और रात को उन्होंने बॉनफायर भी लगाया था, तो ये बहुत ही सेफ जगह भी बोल सकते हो। तो अभी हम आगे जाने वाले हैं ट्रैकिंग के लिए, तो देखते हैं कि वहाँ से कैसा व्यू आता है। हमने डिसाइड किया कि हम और ऊपर जाएंगे। वाह भाई, पूरा जोश। भाई हमारे वहाँ पे ऐसे रास्ते से हम स्कूल जाया करते थे। बहुत मुश्किल से अपने बच्चे को बताएंगे, दो पहाड़ चढ़ के स्कूल जाते थे। हाँ पूरा व्यू आ रहा है ऐसा। क्या हो गया भाई? कबीर सिंह वाला लुक बना के रखा हुआ है, चढ़ने में थक रहा है। कमन देव जी चढ़ दो भाई, वहाँ वहाँ से इसके ऊपर आ जा भाई, देख रहे बहुत आसान है यार। मस्त सच्ची, पेड़ पौधे आने चाहिए क्लोज टू नेचर। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं, सब एकदम हीरो माफिक, बढ़िया एकदम गोल्डी भाई, एकदम कंटेंट देंगे आज तो। पूरा टाइटैनिक पोज मारते हुए। तो जिसको शाहरुख खान बनना है जल्दी बनो, चलो भाई इतना कहाँ डर रहे हैं। तो अभी निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से। या ब्रो चलो भैया, तो हम और भैया यहाँ से दूसरे रास्ते से निकल जाएंगे और हमारा ग्रुप दूसरे रास्ते निकल जाएगा। तो आज का ट्रिप भाई बहुत बहुत ही मस्त था, बहुत ही एंटरटेनिंग था। हम उस पहाड़ी के ऊपर चढ़े, फोटोज वोटोज लिए, बहुत कुछ नए जगहों के बारे में भी पता चला। बहुत ही मस्त था वो जगह, और उस जगह का जो लोकेशन है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हो। तो अगर आप मेरा पहला
या दूसरा वीडियोस नहीं देखे हो तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो ऊपर लिंक भी मिल जाएगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ आप जाइए और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको स्क्रीन पे दिखेगा। तो मैं ऐसे छोटे मोटे राइड्स करता ही रहता हूँ, ऑलमोस्ट हर दो दिन बाद जो भी मैं राइड करूँगा मैं इंस्टाग्राम में डालता रहूँगा, और अगर बड़े ट्रिप्स किए मैंने तो वो भी मैं अपडेट करूँगा यूट्यूब पे। ऑलराइट गाइस, तो इस व्लॉग में मैंने जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ किए हैं मैंने सारे इक्विपमेंट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर वो लिंक्स आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ यूज़ कीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं इक्विपमेंट्स यूज़ करता हूँ सारे बहुत ही रिलायबल हैं। मैं अभी तक यूज़ कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। आप भी यूज़ कर सकते हो, आप भी ख़रीद सकते हो अमेज़न से। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सारा प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ तो पसंद आया ही होगा इस वीडियो में, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं और ऐसे वीडियोस बना पाऊँ। और अभी तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।